जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा वीडियो बहुत दिनों से यूट्यूब पर नहीं आ रहा था। रीजन यह था कि मेरे पास कुछ अच्छा सेटअप नहीं था। अब कुछ कुछ अच्छा सेटअप हो गया है तो रेगुलर मेरा वीडियो यूट्यूब पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 9th-10th के लिए पढ़ाते हैं, तो आज क्लास 10 के लिए मैथ में लेसन 8 त्रिकोणमिति को लेकर आए हुए हैं। त्रिकोणमिति का यह पहला वीडियो है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2023 एग्जाम के लिए अब बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए पूरा सिलेबस तो खत्म हो नहीं सकता, तो हम क्यों ना मतलब अच्छा अच्छा टॉपिक पढ़ के ही अच्छा रिजल्ट ला दें। ठीक है, इससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मेरा वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, और विशेष रूप से मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे वीडियो को डिसलाइक करते हैं, क्योंकि उनके डिसलाइक करने से मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मैं हमेशा कुछ अलग और नया नया करने का प्रयास करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध संबंध का अध्ययन किया जाता है। बबुआ, जानते हैं हम लोग कि त्रिकोणमिति में क्या होता है? तो एक समकोण त्रिभुज और उनके बीच के कोण और भुजा के बीच के संबंध को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, दर्शाते हैं। जैसा कि एक तो समकोण त्रिभुज दे दिया रहता है और कहता है कि मतलब ये फलना कोण इतना है, तो आप लंब ज्ञात कीजिए, आधार ज्ञात कीजिए, चाहे लंब आधार इतना है तो कर्ण ज्ञात कीजिए, ऐसा करके प्रश्न इसमें कुछ आता है। ठीक है, सब प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे अच्छी ढंग से, मतलब उसको क्या करेंगे, रिविजिंग भी करेंगे। पता है ये सब जो मतलब है बातें, ये सब परीक्षा में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, चाहे क्या पढ़ेंगे, समझ में ही नहीं आएगा। बहुत टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट 8 लेसन स्टार्ट हुआ तो 8.1 लिखने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर एक ही एक उदाहरण बनाएंगे, फिर प्रश्नावली के ही हर एक प्रश्नावली के भी मतलब हर एक मैथ को हम क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा का क्या लिखा है कि इन अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों उनके न्यून कोणों के सापेक्ष में अध्ययन करेंगे, जिन्हें मतलब जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो जानते हो बबुआ, कुछ हम लोग न्यून कोण, जैसे मैं sin θ मतलब sin 30 डिग्री दिया रहेगा, sin 50 डिग्री दिया रहेगा, और उससे मतलब क्या कोण ज्ञात करने के लिए कह देगा, चाहे भुजा ज्ञात करने के लिए कह देगा। कोण तो 30 डिग्री दिया रहेगा, उससे भुजा ज्ञात करने के लिए कह देगा, तो हम लोग उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं और उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे sin θ, cos θ, tan θ, cos θ सब होता है ना, तो उसको हम लोग क्या करने हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक, फिर हम 0 और 90 के माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को भी क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। ठीक है, फिर हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन करेंगे, और इन अनुपातों से संबंधित कुछ सौर समीकरण जिन्हें त्रिकोणमितीय सौर समीकरण कहा जाता है, स्थापित करेंगे। जैसे मैं फॉर्मूला वाला स्थापित करने वाला रहता है ना, उसको स्थापित करेंगे। जैसे मैं त्रिकोणमितीय सौर समीकरण कौन सा है, तो sin²θ + cos²θ = 1 होता है। उसी प्रकार sec²θ - tan²θ = 1 होता है। उसी प्रकार cosec²θ - cot²θ = 1 होता है। ऐसे करके इस सब फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, स्थापित करेंगे और पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति में सबसे वो ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण है त्रिकोणमिति के फॉर्मूला। तो आइए हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले बबुआ, सबसे पहले जान लीजिए कि त्रिकोणमिति कितना होता है और कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, कौन कौन, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात या इसको निष्पत्तियां भी कहते हैं,
त्रिकोणमितीय अनुपात चाहे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, ये 6 होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एवं क्या कोट थीटा, यही 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ है, जिसे हम लोग मतलब इसी पर आधारित सारे प्रश्न पढ़ेंगे। जितना भी लेसन में पढ़ेंगे सब साइन कोस टैन कोसेक सेक इस सब से ही आधारित रहेगा, ठीक है। और इसी संबंधित जितना भी फॉर्मूला है सब इसी के संबंधित है, ठीक है। तो इसको मतलब ध्यान रखिएगा, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितना होता है 6 होता है, ठीक है। इसमें लिखे हैं साइन, फिर लिखे हैं थीटा। थीटा जो है मतलब इसके गुणनफल में नहीं रहता है बल्कि इसके साथ चलता है, क्योंकि कोण के बिना कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात का कोई वैल्यू नहीं है। जब इसके साथ कोण लगा रहेगा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी ऐसे करके, तभी इसका वैल्यू होता है। लेकिन ये सब इसके गुणा में नहीं रहता है। जैसे में हम मतलब कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो साइन गुने थीटा के बराबर कभी नहीं होता है। ये गलती कभी मत कीजिएगा कि साइन और थीटा आपस में गुना में रहता है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखिए तो ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ के संबंध में कुछ हम लोग जान लेते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ में क्या संबंध है। तो ये संबंध होता है कि ये होता है संगत, ठीक। ये इधर लिख दिए क्या विलोम। चला संगत मतलब क्या होला संगतिया, और ये विलोम मतलब हमने क्या होला उल्टा लड़ाई झगड़ा करे वाला दुश्मन, ठीक बा। तो देख लो संगत पढ़ल जाए, सबसे पहले समझो बबुआ कि संगत में होला जौन साइन थीटा बा न चला वो कोस थीटा बा का संगत होला। बताओ हिमांशु केहू के संगतिया हवन तो ओकर संगतिया न हम हई, ठीक बा। हम ओकर संगतिया हई तो वो हमारा संगतिया है, ठीक। तो उसी प्रकार साइन के संगतिया कौन है कोस, तो कोस का संगतिया कौन होती चला साइन। आई समझ में, संगतिया का मतलब होला कि जब हमारे कोनो भी मुसीबत आई तो हमारा वो हेल्प करी। तो देखिए ये कैसे ओकर मतलब साइन के हेल्प करी कोस और कोस के हेल्प करी क्या साइन, ठीक। तो अब एक में फिर से क्या होला साइन थीटा कोस थीटा का होला, फिर टेन थीटा जवन बा वो क्या होला कोट थीटा के होला संगत। साइन थीटा कौन के संगत होला तो कोट थीटा के संगत होला। उसी प्रकार जौन हमने के कोसेक थीटा बा कोसेक थीटा उसेक थीटा के संगत होला, ठीक बा। चला ये आपस में संगत अवसन, संगत के मतलब संगतिया, संगतिया क्या करला चला मौका पर हेल्प करला। तो देखो कुछ ने फॉर्मूला लिख दे तनी कि साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा कोस 90 डिग्री घटाओ थीटा टैन 90 डिग्री घटाओ थीटा कोट 90 डिग्री घटाओ थीटा सेक कोसेक लिखा कोसेक 90 डिग्री घटाओ थीटा सेक 90 डिग्री घटाओ थीटा। चला का कहानी है फॉर्मूला निकाले खाती कि संगतिया के मतलब का होला कि साथ साथ चली और ओकर मदद करी। तो हई बेचारा कहता ए भाई साइनवा कहता ए भाई हम 90 में से घट के हम कम हो गल बनी धन दौलत हमारे अभी नहीं खे, तो तू अब हमारा साथ खड़ा हो जो ताकि फलनावा कहे कि हाँ एक संगतिया एक साथे बा तो कुछ कर सकता है एक भी मतलब पैसा उसा के कुछ मदद करी। तो देखो साइन थीटा अपन संगतिया से कहते भाई हम घट गुल बनी तो तू हमारा सामने का होके आ जो लाग जो तो एक सामने आके लाग गया का कोस थीटा। तो देखो फॉर्मूला हो गल साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर का हो गल कोस थीटा। कहियो मत भूलियो कि साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक है। साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। अब आओ फिर से देखो कोस 90 डिग्री घटाओ थीटा तो कोसो कहते हैं भाई तू हमारा संगतिया हवे या तू हमारा बगल में ना लगबे तो हम बहुते बर्बाद हो जाएं तो आके लाग जो फटाक दे। तो उसी प्रकार बताइए आप टेन थीटा का क्या हो जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा का टेन थीटा, जैसे टेन 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर क्या होगा कोट थीटा, कोट 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा। उसी प्रकार से सेक 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर कोसेक थीटा, ठीक है। लेकिन देखा बाबूआ तू अब कह दिल कि सर जी कौन कौन संगत है कैसे याद करल जाए। तो देखो संगत मतलब बोला संगतिया,
बबुआ केहू भी जीवन में तू मैथ पढ़े तो कोनो फलानावा के नाम बुझाला के त्रिकोणमिति पढ़तनी तो कही कहाँ पढ़ता रे वो कही हम साइन थीटा कोस थीटा पढ़तनी तो मुँह पर खाली रही साइन थीटा कोस थीटा तो जो साइन थीटा कोस थीटा बोलता एक साथे तो एक साथे बात भाई वनी के संगत ये बात आ फिर समझ लो दू गो ऐसा त्रिकोणमिति निष्पत्ति आवा जन में टी टी लागल बा गुण आपस में मिलता हई कहता चल रे भाई क्रिकेट खेले कहता चल बस संगतिया बन गई ठीक बा तो ये हमने के का हो गल जना देखो दू गो में टी लागल बा एकरा में 10 टी लागल बा न एकरा में टी लागल बा तो ये आपस में का बा संगतिया बन गुल बा फिर देखो दू गो ऐसा त्रिकोणमिति निष्पत्ति बा जना में सेक सेक लागल बा देखो एकरा में सेक सेक लागल बा तो इहो आपस में का हो गल बा संगतिया तो संगतिया याद करे में दिक्कत होई आ जब संगतिया याद तो फलना के फॉर्मूला नहीं याद हो जाई साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर साइन थीटा टैन 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर कॉट थीटा कोट 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर टेन थीटा कोसेक 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर चला कोसेक थीटा ठीक बा। चलिए तो अब हम लोग विलोम के बारे में पढ़ेंगे कि विलोम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या होता है कौन कौन सा है विलोम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। तो सबसे पहले साइन कोस तो संगत था और विलोम विलोम देखिए विलोम जो साइनवा है ना साइन थीटा वा कोसेक थीटा का विलोम हो जाता है कोसेक थीटा का साइन थीटा कहे कि हम बाबू का कोस तो साथे रहम तो कोसेक तो का रहम मतलब झगड़ा करके रहम ठीक बा। देखो टैन थीटा जानबा न टैन थीटा वो कोट थीटा के कोट थीटा के ही विलोम होला। देखो बाबूआ जो टैन थीटा बा वो कहेला कि तू बाबूआ हम तोरे जो साथ हूँ रहम आ तोरा जो क्या झगड़ लड़ाई करे के होई तो तोरे जोरे करे ठीक बा एकदम मतलब का ये आपस में संगत भी होला और क्या आपस में विलोम भी होला ठीक बा। चलो अब ओकरा बाद देखल जी का कि हमने के कोसेक थीटा कोना के विलोम होला कोसेक थीटा तो ई कोसेक थीटा सेक थीटा के विलोम हो जाला सेक थीटा का हो जाला चला विलोम हो जाला ठीक। तो एक जगह थोड़ा सा देख लेवे के होई तो विलोम के मतलब होला चला का उल्टा तो मान लो कि हो लिखल बन तीन तो एक उल्टा का लिख दो जी एक बटे तीन देखो बाबूगा और जब साइन थीटा बा तो एक उल्टा हमने कितना लिख देवल जी बताओ कोस एक बटे कोसेक थीटा हो जी ना। देखो आ चाहे तारा जरूरत पड़ी तो तिरसठ से गुना भी कर सकता रहे लिख सकता रहा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाए एक हो जाए आयल समझ में ओकरा बाद देखो और जन बा हमने का चाहे लिख सकता कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा टेन थीटा बराबर कितना हो जाए एक बटे कोट थीटा उसी प्रकार से कितना बबुआ कोट थीटा बराबर एक बटे कितना हो जाए टेन थीटा फिर ओकरा बाद कोसेक थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर कितना हो जाए एक बटे कोसेक थीटा। देखो चला अब हमारे पास मतलब इंक थोड़ा सा खत्म हो गल बा यही चलते वीडियो क्या समाप्त करता नहीं हमने के मोबाइल भी मतलब ज़्यादा चार्ज नहीं है ठीक। तो अगला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कहता हूँ कि आना जाना छोड़ चुके पर्वों से नाता तोड़ चुके रखकर पत्थर अपने दिलों पर घर से मुख है मोड़ चुके किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गवाने को फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को नैन में माँ के बसता सपना मैं अब काबिल बन जाऊं कर कर चिंता बूढ़ी हो गई कभी तो खुशियां दिखलाऊं बाप से मेरे चला न जाता फिर भी काम को जाता है और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है छत वो घर की टपक रही है अंजुरी में पानी उतर जाएगा छत वो घर की जिसके नीचे सोते हैं और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं पता है तुमको रब को मेहनत में मेरे कमी नहीं और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं माना चलती कठिन परीक्षा मेहनत मेरा हथियार है गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रन को तैयार है सब्र का मैया बांध न टूटे गला किस्मत का घोटूंगा चंद महीने बाकी हैं बस बन डीएसपी लौटूंगा।